नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलिनो और टाटा एल्ट्रोज के बारे में। आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी खासियतें हैं टाटा एल्ट्रोज की जो कि मारुति सुजुकी बलिनो पे भारी पड़ने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता कि टाटा ने अपनी नई गाड़ी एल्ट्रोज को मार्केट में उतार दिया है। ये गाड़ी जो है सब 4 मीटर हैचबैक है, जो कि बलिनो, i20 और होंडा जैज की राइवल है। बात करते हैं कि एल्ट्रोज की कौन सी ऐसी खास बातें हैं, कौन सी ऐसी खासियतें हैं इस गाड़ी में जो कि बलिनो पे भारी पड़ने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजाइन से। तो अभी तक जो सबसे बल्कि गाड़ी देखने में लगती थी वो थी बलिनो, क्योंकि बलिनो की जो विड्थ है वो सबसे ज्यादा है इस प्राइस रेंज में और सब 4 मीटर हैचबैक में। तो यहाँ अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज अब सबसे ज्यादा बल्कि देखने में लगने वाली है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बलिनो से भी 10 mm ज्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट में भी बलिनो से जो ये गाड़ी है 10 mm ज्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ में ये गाड़ी जो है 5 mm कम है बलिनो से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज देखने में ज्यादा बल्कि लगने वाली है बलिनो से। वही अगर हम बात करें टाटा एल्ट्रोज के ओवरऑल डिजाइन की, तो बिल्कुल फ्रेश डिजाइन टाटा की तरफ से हमें देखने को मिला है इस गाड़ी में। फ्रंट की अगर हम बात करें, तो फ्रंट में हमें हॉनीकॉम मैश ग्रिल डिजाइन देखने को मिल जाता है, जिसके आसपास हमें एग्रेसिव हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है LED लाइट गाइड्स के साथ। और वहीं अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो नीचे हमें फोग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा स्पेस नहीं है हेडलाइट्स और फोग लैंप्स में। और वहीं अगर हम बात करें इसकी साइड की और बोनट की, तो हमें काफी शार्प एजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिजाइन के साथ काफी मैच करते हैं। बिल्कुल यूनिक लुक इस गाड़ी को देने की कोशिश की गई है, जैसे हमें पहले टाटा नेक्सोन में देखने को मिलता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी के रियर की, तो रियर में हमें काफी शार्प एजेस वाली टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें LED भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर हम बात करें, ज्यादातर हिस्सा जो है पीछे की तरफ हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, जिसमें हमें बोल्ड लेटर्स में एल्ट्रोज लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड में हमें मिल जाते हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। और वहीं अगर हम बात करें बलिनो के डिजाइन की, तो बलिनो का डिजाइन जो है वो काफी अच्छा है, कुछ इस तरह से इसका डिजाइन की हर किसी को पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को इंडिया की हॉट हैचबैक का नाम भी दिया गया है। ओवरऑल बलिनो की जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहां अगर हम बात करें कि क्यों एल्ट्रोज का डिजाइन जो है वो बलिनो पे भारी पड़ने वाला है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से, जब से बलिनो लॉन्च हुए, तब से इसके डिजाइन में जो है ज्यादा बड़े मेजर चेंजेस नहीं किया गया। 2015 सितंबर में बलिनो लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद से एक बार इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सिर्फ बम्पर में माइनर चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ जो फोग लैंप का बम्पर डिजाइन है उसमें चेंज किया गया है, और कुछ इंटीरियर चेंजेस किए गए थे, लेकिन जो ज्यादा बड़ा चेंज है वो हमें बलिनो में देखने को नहीं मिला, और ना ही अगले 2-3 साल तक हमें देखने को मिलने वाला है। ऐसे में बलिनो का डिजाइन जो है वो थोड़ा लोगों को कॉमन लगने लग गया, और जो टाटा की एल्ट्रोज है वो बिल्कुल फ्रेश डिजाइन के साथ मार्केट में आई है और काफी ज्यादा बॉयर्स को अट्रैक्ट भी कर रही है, और काफी ज्यादा बॉयर्स को ये गाड़ी जो है वो पसंद भी आ रही है। आपकी क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको कौन सी गाड़ी का डिजाइन ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गाड़ी देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आती है। और आपके एक कमेंट से उन लोगों को काफी फायदा होगा जो लोग इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन को लेकर कंफ्यूज है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं सेफ्टी की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मारुति जो कि बलिनो जो है वो हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी है, और इस प्लेटफॉर्म का जो फीडबैक है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो ओनर फीडबैक है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ज्यादातर ओनर्स का और कस्टमर्स का कहना है कि इस गाड़ी पे जो डेंट्स है वो इजिली पड़ जाते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी को सेफ्टी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स में 3-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें टाटा एल्ट्रोज की, तो अभी तक टाटा एल्ट्रोज का क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो टाटा की गाड़ियां हैं वो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इन गाड़ियों में ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग स्टील मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों का जो कर्व वेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर हम दोनों की बात करें बलिनो और एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज का जो कर्व वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है बलिनो से, लगभग 150+ का जो डिफरेंस है इन दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो यहाँ अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज का जो इंटीरियर है वो ब्लैक ग्रे थीम बेस्ड इंटीरियर है, सिमिलर टू नेक्सोन जो कि इसकी सिबलिंग है। और इसमें हमें मिल जाता है फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद हरमन म्यूजिक सिस्टम, जो कि काफी अच्छी बात है म्यूजिक लवर्स के लिए, क्योंकि हरमन का जो फीडबैक है, इसके जो रिव्यूज हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम से। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें हमें मिल जाता है फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, जो कि काफी आपको एक स्पोर्टी फील देता है। इसमें हमें और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंटीरियर्स की, तो जो एल्ट्रोज का इंटीरियर है वो तो आपको थोड़ा सा
ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है बलेनो से। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बात करते हैं रियर सीट कंफर्ट की। तो यहाँ अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज में रियर में हमें आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एल्ट्रोज में 3 अडल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फ्लैट रियर फ्लोर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विड्थ की, तो एल्ट्रोज की जो विड्थ है वो भी 10 mm साइज में ज़्यादा है बलेनो से। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो एल्ट्रोज है उसमें 3 लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बलेनो से। इसके अलावा हमें एल्ट्रोज में हमें रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो अगली खास बात है वो है एल्ट्रोज का प्राइस। तो एल्ट्रोज का जो प्राइस है वो बलेनो से कम है। तो ये थी 5 ऐसी खास बातें एल्ट्रोज की जो कि बलेनो पे भारी पड़ने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलेगा, और ऑटो वर्ल्ड और एल्ट्रोज की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।